नमस्कार, ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। अगले साल देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब का नाम शामिल है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा इन 5 राज्यों में चुनाव था। इन्हीं चुनावों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कुछ अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो जिम्मेदारी क्या है और क्यों वो बीजेपी के लिए अहम है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। पांच राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा वो 5 राज्य हैं जहां इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर भी चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी अपनी जीत दोहरा पाएगी और क्या पंजाब में बीजेपी अपना नेतृत्व सिद्ध कर पाएगी। बीजेपी के सामने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले इन सवालों के अलावा भी कई सवाल हैं, जिसमें से कुछ अहम सवाल ये हैं। हिंदू मुसलमान या किसान तालिबान, किन मुद्दों पर जनता करेगी वोट? पहले से नाराज जाट, अब गुर्जर और राजपूत आमने सामने कैसे संभालेंगे योगी? विकास की बजाय अब्बाजान और कब्रिस्तान शमशान जैसे मुद्दों पर क्यों टिक जाती है बीजेपी? राम मंदिर निर्माण, विकास या फिर मोदी फैक्टर कितना कारगर सिद्ध होगा? उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर होगा इस बार का चुनावी मुद्दा? बीजेपी के सामने ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर बीजेपी को फोकस करना होगा। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि बीजेपी इस बार हर कदम बेहद सूझबूझ के साथ आगे रखे। कोविड महामारी के बाद बीजेपी की 2 साल के बाद कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, यानी कुछ नेता दिल्ली में एक जगह एकत्र हुए तो कुछ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। बैठक का एजेंडा पहले से तय था। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चर्चा अहम रही। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के दौरान दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव रखा, उससे नई चर्चा को तूल मिल रहा है। पहली चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के भीतर कद बड़ा है। दूसरी चर्चा है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। वैसे दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े भी हुए हैं। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के भीतर दबे स्वर में चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड का गठन होना अभी बाकी है। माना यह भी जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को जगह मिल सकती है। संसदीय बोर्ड से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसमें योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रस्ताव रखना इस बात की तस्दीक है कि आने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ मौजूदा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। चुनावों में धारदार शैली में भाषण देते हैं, साथ ही हिंदू वोटर्स पर योगी आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट के रूप में योगी आदित्यनाथ की पहचान है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में वैक्सीनेशन, लॉ एंड ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ ने संभाला है, वो देश के दूसरे राज्यों के लिए आदर्श हैं। ऐसे में बीजेपी का भरोसा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा है। अभी तक बीजेपी पार्टी की कार्यकारिणी में केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं को ही राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ने का मौका दिया जाता रहा है। बात अगर करें 2018 और 2019 की, तो उस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह को ये मौका मिला था। और ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इससे अलग ही रखा जाता था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव कौन पढ़ेगा और प्रस्ताव में क्या लिखा होगा,
इसका फैसला पार्टी के पदाधिकारी मिलकर करते हैं। इस वजह से कार्यकारिणी के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल भी पूछा गया। निर्मला सीतारमण ने पार्टी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, सवाल ये नहीं है कि उन्हें क्यों चुना गया, सवाल ये है कि उन्हें क्यों नहीं प्रस्ताव पेश करने के लिए चुनना चाहिए था। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कोविड महामारी के दौरान उनके कामकाज को सभी ने देखा। फिर चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदम हों या रोजगार के अवसर की बात हो, पार्टी के वो वरिष्ठ सांसद रह चुके हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए उन्हें क्यों नहीं बुलाना चाहिए। अब जाहिर है कि इस प्रस्ताव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फोकस कुछ हद तक उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ पर शिफ्ट हो गया है और तय ये भी हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ पर ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भले ही बीजेपी की दलील हो कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, राजनीतिक रूप से वहां की जीत हार के अपने मायने होते हैं। वो दिल्ली के पास भी है, लेकिन बीजेपी हमेशा ऐसा करती है, फर्स्ट अमंग इक्वल यानी बराबरी वालों में से एक नेता निकाल ही लेती है। योगी आदित्यनाथ को ये मौका भी बीजेपी ने इसीलिए दिया है ताकि उन्हें दूसरों से अलग खड़ा किया जा सके। और एक बात और है जो योगी आदित्यनाथ को दूसरों से अलग करती है, वो है उनका अपना सपोर्ट बेस। हिंदू युवा वाहिनी की वजह से योगी आदित्यनाथ का पार्टी से इतर भी अपना खुद का सपोर्ट बेस है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले से है, कुछ हद तक नरेंद्र मोदी की ही तरह, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते अपने लिए एक अलग सपोर्ट बेस बनाया था। कई दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक प्रस्ताव पढ़वा कर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि हाल ही में अमित शाह ने भी लखनऊ दौरे पर कहा था कि मोदी को पीएम बनाने के लिए योगी का सीएम बनना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कार्यकारिणी में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी के लिए आस्था का पुल बनाना होगा। बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है, पार्टी जिन मूल्यों को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण जुड़ा है। प्रधानमंत्री के इस भाषण से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है पीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वे जनता के बीच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक उत्थान और विकास के कार्य करें। और ये प्रधानमंत्री इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह कोरोना के दौरान खास तौर पर दूसरी लहर में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, अब बीजेपी को लगने लगा है कि कोविड मैनेजमेंट के पॉजिटिव पर जनता के बीच जाने की जरूरत है। गौर करने वाली बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में कोविड महामारी के दौरान बिगड़े प्रबंधन पर खुद बीजेपी सांसदों और विधायकों ने सवाल खड़े किए थे। अगले साल जब इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 राज्यों में कहां कहां बीजेपी की सरकार आती है और राजनीति का ऊं किस करवट बैठता है। ऑब्जर्वर डॉन पे ऐसी ही मजेदार और ताजा खबरें देखने के लिए आप लगातार ऑब्जर्वर डॉन पे बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।